टूरिटॉप्सिस डॉर्नी, इसको इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है, जो कभी नहीं मर सकती। ये बेहद छोटे आकार की होती है। ये समुद्र में खुद को वापस नए रूप में बदल सकती है, इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं होती, लेकिन छोटी सी लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले इसके एग से निकलता है लार्वा, जिसको प्लैन्यूला कहा जाता है। फिर ये पॉलिप फॉर्म में डेवलप होते हैं। फिर पॉलिप से बेबी जेलीफिश निकलता है। जब इन जेलीफिश को कुछ खाने को नहीं मिलता या इनकी बॉडी फिजिकली डैमेज हो जाती है, तो ये मरती नहीं है, बल्कि एडल्ट स्टेज से वापस चाइल्ड स्टेज में चली जाती हैं। इस चेंज के लिए इनकी बॉडी में स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, जिससे ये दोबारा चाइल्ड स्टेज में चली जाती हैं। कमाल की बात यह है कि ये प्रोसेस कितनी बार भी कर सकती हैं, तो बायोलॉजिकली इमॉर्टल फिश कभी नहीं मर सकती। लेकिन अगर इन्हें मार दिया जाए या दूसरे जीव इन्हें खा लें या इन्हें कोई बीमारी हो जाए, तो डेफिनेटली ये मर सकती है। और इस रेयर प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांस डिफ्रेंसिएशन।